पत्तलकोट में भेड़िया, मंडला में गोंड, जनजाति से मिलने के बाद अब वक्त है दूसरे इलाकों की ओर बढ़ने का। वैसे लेकिन अब तक आपको मध्य प्रदेश की ट्राइबल यात्रा कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज द इफी एक्सप्लोरर। ये देखो ब्लॉग की शुरुआत हो गई, मैं पहुंच गई हूँ डेस्टिनेशन पर। मैं हूँ सिलपिडी गांव में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे हम बैगा ट्राइब से आज मिलने आए हैं। ये वही ट्राइब है जिसको मैंने बताया था, जो अपनी बॉडी पे टैटूज करते हैं, और यहाँ पे कुछ लेडीज हैं जिनकी बॉडी पे फुल टैटूज है, और वो देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपका टैटू अभी तो है और ये आपने हल्दी क्यों लगाई है? हल्दी शादी वारिया सिखाता बरा सगाई वारी आए तो सगाई वारी आ रहा था चुप करता इन दूल्हे लाई गए नुतिया आएगा। ये लोग को टैटू ऐसे ही नहीं लगता, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है इस टैटू का। जब ये लोग छोटी होती है, मतलब 11-12 साल की, तो माथे पे बनता है। फिर उसके बाद जब ये लोग शादी की उम्र की हो जाती है यहाँ पे, जो कि है 15-16 साल, तब फिर हाथों पे टैटू बनता है, पैरों पे बनता है। फिर जब जिसका बेबी हो जाता है उसकी चेस्ट पे टैटू बनता है। तो ये सीक्वेंस रहे, उसे ऐसे देखने से इनको पता भी चलता है कि कौन की लड़की की शादी हो गई है, किसका बेबी हुआ है। आपने क्या खरीदा? मैंने हिरन, हाँ, एलिफेंट। वेरी नाइस। कितने का पड़ा? ये 200 के है, ये 500 का है। अमेजिंग। हनुमान जी हैं, हाँ हाँ, जो उनके इमेजिनेशन से उनने बनाए हैं, और इनका ये पहाड़ है जो ये हाथ में पकड़ते हैं। मैंने ना वाइल्डनेस ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मैं कि एमपी के इस पार्ट में आके बैगा ट्राइब से कभी इंटरेक्ट कर पाऊंगी। Having to interact with them makes me so happy. हाँ जी, हो गया लंच का टाइम रोज़ की तरह। आज हम लोग लंच करने आए हैं एमपी टूरिज्म का मिडवे ट्रीट करके, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे पाटनगढ़ नाम के आर्टिस्ट विलेज में। तो अभी फीस्ट जो हमारे लगाया है काफ़ी सारा ट्राइबल खाना ही है, दिखाती हूँ। सिंगर का तोमा सुखड़ी, सुखड़ी देसी दाल। सर ये मक्के की रोटी है, पान रोटी। खाना बहुत ही मज़ेदार था, होम कुक्ड ट्राइबल फूड। अब हम आ गए हैं पातनगढ़ में। पातनगढ़ ये कला ग्राम है, यहाँ पे सारी जो ट्राइबल की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होता है वो शोकेस किया जाए। तो ये जो कला है इसको गोंड पेंटिंग बोलते हैं। तो इनके पीछे ये ऐसे जो पैटर्न्स और मोटिव्स आप लोग देख रहे हो, ये बस ऐसी रैंडमली कुछ नहीं बनाया गया, हर एक पेंटिंग में कुछ ना कुछ कहानी। ये महाभारत का पार्ट है, द्रौपदी का चिड़हड़ा हुआ था। ये मतलब पब्लिक बैठी है और इसका चिड़हड़ा हो रहा है, ये कृष्ण जी है। ये जो आंगन है, आंगन में हम लोग वो ढींगना मतलब पुताई करते हैं मिट्टियों का, कई कई कलर का मिट्टी रहता है उससे हम लोग पुताई करते हैं। हमारा गोंड अपना आर्ट है, अपना आर्ट है, मतलब अपने आर्ट के तरीके से, मतलब उसका कहानी सिर्फ इसमें है, बाकी ये गोंडा हर तरीके से बनाया है। तो आपके जो पूर्वज बनाते थे वो भी इतनी कलर्स होते थे उसमें? जी मैम। मैं टैटू बनवाने जा रही हूँ। ये मस्तक पे लगाते हैं, इसका मतलब रहेगा ना? हाँ है ना, इसका हर का एक थीम है।
टेस्ट आपका रहता है कि क्या डिजाइन बनवाओगे, कैसा बनवाओगे? मेरे को भी कराने का है। तो ये हम भी करा सकते हैं टैटू, ऐसे गुंजवा सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन कर देंगे ना। मैं टैटू बनवाने जा रही हूँ हैंड पोक यहाँ पे गोंड ट्राइब से। कैसे बनती दीदी? हम लोग रमतिला के काजल बनाते हैं जो तिली की तरह होती है, उसको हम पहले भूंजते हैं, भूंजने के बाद फिर कूटते हैं, कूटने के बाद फिर तेल निकल जाती है उसकी, पिसान आटा गूढ़े हुए जैसे हो जाए तो मिट्टी के बर्तन में नीचे रखते हैं और फिर उसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में झोंकते हैं, उसको नीचे के जलाएंगे जो ऊपर कप बैठता है उसके काजल बनाते हैं। फाइनली टैटू बन गया है गाइस, मेरी जिंदगी का पहला टैटू मैंने मध्य प्रदेश के पत्तनगढ़ गांव में करवाया। ये ट्राइबल मोटिफ है, इन्होंने खुद ही मुझे बताया, इसका मतलब है जहाँ चाहा वहाँ रहा, विच इज़ समथिंग दैट आई फील रियली क्लोज टू गोंड ट्राइब से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। दीदी ऐसे घिस घसट रही है ना, इससे बस थोड़ा तो लगेगा ना, काजल निकल जाना चाहिए उसके का। अरे वाह दीदी, ये तो बड़ा सुंदर आया है, थोड़ा थिक सा है, इन्होंने बोला है थोड़ा उतरेगा, स्किन में नहीं उतरेगा, जैसे उतरेगा इनका एंटीसेप्टिक जो उन्होंने मुझे बताया दैट इज़ सरसों का तेल एंड हल्दी, वो लगाएंगे हम रात में। सो विल वेट फॉर इट टू हील एंड फाइनल पिक्चर मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूँगी। तो गुड मॉर्निंग गाइज, सो कल तो इतना इवेंटफुल दिन था, कांट बिलीव, स्टिल कांट बिलीव। खैर तो अभी हम लोग इस प्रॉपर्टी से निकल रहे हैं, एमपी टूरिज्म का है हॉलीडे होम्स, दो दिन यहाँ पे रुके एंड लव्ड इट, कैंप वाला स्टे था, फूड वाज आल्सो वेरी नाइस। नाउ वी आर लीविंग फॉर जबलपुर एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। दिस इज़ इफ़ी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।